अपने बिजनेस को दे नई उड़ान बिहार टीवी के साथ हमारे फेसबुक पेज और वाई यूट्यूब चैनल के द्वारा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का प्रसारण किया जाएगा। अपनी दुकान, स्कूल, कोचिंग सेंटर एवं अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9507698207। नमस्कार, मैं हूं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार टीवी। अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची जा रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ के अंबेडकर चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अरुणाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक उठापटक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शुरू से ही इनका सफाया हो रहा है। यही कारण है कि इस बार विधानसभा में इनकी पार्टी आधी सीटों पर सिमट के रह गई। इसका उदाहरण अरुणाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक उठापटक है। कहा जा सकता है कि इनकी पतन की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम से हो चुकी है। बिहार में भी बहुत जल्द जदयू का सफाया होने वाला है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से खंडित होकर टूट चुका है। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है बहुत गलत फैसला लिया है। नीतीश कुमार खुद अपनी पीठ में छुरा मारने का काम किए। देखिए, शुरू से तो इनका सफाया हो रहा है और वहाँ से तो शुरुआत हो ही गया है। अब बिहार भी बहुत जल्द इनका सफाया हो जाएगा। अरुणाचल में 6 जदयू विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जेडीयू पूरे तरीके से खंडित हो चुका है, टूट चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया बहुत गलत फैसला लिया। पार्टी विरोधी काम किया खुद अपने। ये तो बीजेपी का कामे है, पहले साथ मिलाना फिर निगल जाना। अभी अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक था उनका, अच्छा वो के मतलब कि बीजेपी वाला खा गया। अब बिहार का बारी है, नीतीश जी को सलग निगल जाएगा, अकेले रह जाएंगे नीतीश जी। 2015 में जो लालू यादव इनको सम्मान देने का काम किए कि कम सीट आने पर भी मुख्यमंत्री इनको बनाया, फिर भी ये इन्होंने लालू यादव के पीठ में छोड़ा भूख के अब बीजेपी में चले गए। इस बार पता चला देंगे अरुणाचल में खा गया, यहाँ भी इनको निगल जाएगा। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप यादव जी रांची जा रहे थे, मतलब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से मिलने, तो बीच में हम लोग अम्बेडकर चौक पर अपने नेता के स्वागत में सम्मान में यहाँ खड़े थे, स्वागत किया अपने नेता का। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।